integration of e to the power x upon root 2 cos x plus alpha dx. आपको पता चल गया होगा एक्सपोनेंशियल है ये ट्रिग्नोमेट्री के, तो दोनों में कौन सा लगेगा, u into v लगेगा, फिक्स है। तो u into v का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशियल ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रल प्लस v। अब प्रॉब्लम हमारे को ये है कि u और v लेंगे किसको, ये देखो इलेट आई एल ए टी ई, इसको देखो आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन और टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। देखो इसमें जो कंपेरिजन करो इन दोनों को कहां कहां स्क्वायर डिग्री है, ये एक्सपोनेंशियल ये ई रहा और ट्रिग्नोमेट्रिक का ये टी रहा, बताओ इसमें पहले कौन आ रहा है, टी आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको यू लेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको वी डिसाइड करेंगे, समझा। तो अब बताओ किसको मैं यू लूं, कॉस एक्स को यू ले लेते हैं और इसको वी लेते हैं, बात समझ में। Then integration equals to according to formula u का कुछ नहीं बिगड़ेगा, u free रहेगा पहली बार में, तो u हमारे पास हो गया cos of x plus alpha। ठीक है बेटा पहले कॉपी मत करो, पहले थोड़ा ढंग से समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ v, v कौन सा बेटा, ये x upon root 2 into dx minus what differential of u d by dx of cos x plus alpha, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, वी कितना बेटा e to the power x upon root 2 and dx का होल इंटीग्रल, ठीक है। अब c अभी नहीं लगा रहा, c इंटीग्रल हटेगा उसके बाद लगाएगा। ये तो देखो बहुत शांत पर्सन है ना, इसको तो पढ़ा रहने दो चुपचाप। यहाँ देखो e की पावर x का कितना होता है इंटीग्रेशन बेटा, इसको x कंसीडर कर सकते हैं मन में, कहीं लिखना नहीं है, x अपॉन अपॉन जो एक्स का कोफिशियंट है उसका आप डिवाइड करो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस कितना होता है, माइनस साइन एक्स प्लस एल्फा, करेक्ट, ध्यान से देखो बेटा ये इंटीग्रल ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके होते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेम वैल्यू है ना, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था ये ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके होते हैं, तो सीधी वैल्यू पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर भी किसी के मन में आया मैं तो बहुत इंटीग्रल करूंगा, बड़े वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना, वन और ये डी है। अभी माइनस माइनस एक लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ये क्या होगा एक्स अपॉन और ये माइनस माइनस प्लस, ये रूट टू ऊपर आ जाएगा हमारे बाप कैप को एक बार, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस अल्फा टू दी पावर एक्स वन अपॉन रूट टू और ये डी है। फिर अगेन सेम चैलेंज हमारे सामने आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल, वही सेम चैलेंज। तो एक्सपोनेंशियल को हम क्या करेंगे बेटा, वी लेंगे और इसको क्या लेंगे, यू लेंगे फॉर्मूले के लिए, है ना। अब इसका कुछ नहीं करना है, ये अपनी जगह पर रहेगा, रूट टू आगे लिख लो, ई टू दी पावर एक्स अपॉन रूट टू आगे लिख लो और कॉस को बाद में, एक्स प्लस अल्फा प्लस ये रूट टू पड़ा है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है बाहर रखे इसको, u into v के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, u का कुछ नहीं होगा, ठीक है, इंटीग्रल किसका होगा बेटा, x upon root dx माइनस इसका क्या होना है u का, देखो बेटा d by dx ऑफ u डिफरेंशियल, u का डिफरेंशियल डायरेक्ट है cos x plus alpha, इसका इंटीग्रल यहाँ किया नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे x upon root 2 और ये dx, करेक्ट, फिर होल इंटीग्रल, ब्रैकेट बंद करना मत भूलना, ब्रैकेट क्यों लगाया था मैंने, इस रूट टू की वजह से, स्क्वायर रूट टू e टू दी पावर x अपॉन रूट टू कॉस ऑफ x प्लस एल्फा, बेटा ध्यान रखो ब्रैकेट ओपन कर दो क्या, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस रूट टू साइन एक्स प्लस एल्फा है ना, और इसका इंटीग्रल e टू दी पावर और इसका अभी के माइनस। अब देखो मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पर हम इसको भूल जाते हैं, किसको, इसको, ये मल्टीप्लाई इसको भी करेगा और उसको भी करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात, रूट टू ये तो इसका डिफरेंशियल ऑलरेडी कर लिया था अपन ने,
अब यहाँ पर देखो बेटा यू टू दी पावर एक्स अपॉन रूट टू अपॉन वन अपॉन रूट टू एंड ब्रैकेट की जरूरत है नहीं, कॉपी करोगे पहले पहले कॉपी करो फिर यस बेटा आई इक्वल्स टू देखो आप रूट टू e टू दी पावर एक्स अपॉन रूट टू कॉस बेटा सेम कॉपी हो रहा है एक्स प्लस एल्फा ठीक है ना। यहां देखो बेटा ये वाला ये वन अपॉन रूट टू ये ऊपर आ जाएगा एक रूट टू पहले से बड़ा क्या हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस एल्फा पावर फिर क्या है पास ई टू दी पावर इसको साफ करो क्या हुआ कहा थे बेटा ये वैल्यू सेम है ये रूट टू यहाँ आ जाएगा टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस एल्फा और ये वाली ए टू दी पावर एक्स अपॉन रूट टू माइनस ध्यान से बेटा ये रूट टू है ना ये ऊपर आ जाएगा क्या बन जाएगा टू बन जाएगा एंड कॉस एक्स प्लस एल्फा ई टू दी पावर एक्स अपॉन यहां पर बहुत बड़ी बात है देखो ये आई इक्वल्स टू यहाँ पर थोड़ा कुछ कॉमन आ सकता है ई टू दी पावर एक्स रूट टू कॉस एल्फा बेटा कॉन्सेंट्रेट करो प्लस टू साइन एक्स प्लस एल्फा माइनस टू एक्स प्लस एल्फा ठीक है भाई ये आपको कॉमन आ रहा है। यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो माइनस टू ये वैल्यू किसकी बड़ा पूरी टू आई को लेफ्ट साइड ले लो आई प्लस टू आई इक्वल टू टू दी पावर एक्स अपॉन रूट टू कॉस एक्स प्लस एल्फा टू साइन एक्स प्लस एल्फा एंड प्लस सी ये थ्री आई हो गया तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स अपॉन रूट टू अपॉन थ्री एंड रूट टू कॉस ऑफ एक्स प्लस एल्फा प्लस टू साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा ठीक है ना एंड प्लस सी अपॉन थ्री सी अपॉन थ्री खुद एक नया कॉन्स्टेंट क्रिएट हो जाएगा तो फाइनल आंसर इसका एक्स अपॉन रूट टू अपॉन थ्री स्क्वायर रूट ऑफ टू कॉस एक्स प्लस एल्फा प्लस टू साइन एक्स प्लस एल्फा एंड प्लस प्लस सी वन सी अपॉन थ्री को क्या होगा न्यू कॉन्स्टेंट ये आपके पास आंसर हो चुके एंड आउट नो सर जीरो टू थ्री को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर यस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव बेटा इसमें देखो वही सेम फॉर्मूला यू टू बीस लगेगा इसमें और यू पड़ा रहेगा वी का इंटीग्रल माइनस यू का डिफरेंशियल एंड वी का इंटीग्रल और होल इंटीग्रल बेटा क्या ऑलरेडी अब इसमें यू और वी का डिसीजन कैसे लेते हैं आप पूछा बता आईलेट के अकॉर्डिंग है ना यानी कि इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल इनका कंपेरिजन जो पहले आए वो कौन होता है यू और बाद में आए वो कौन होता है वी होता है ठीक है ना बेटा अब आप इसमें देखो ये कितना ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है इसको तो ले लेंगे वी और इसको ले लेंगे यू कोई बड़ा काम ही नहीं है इसके अंदर। अब आप इसमें देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू तो पड़ा रहेगा ये साइन स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स एंड डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स एंड होल इंटीग्रल क्लियर। अब बेटा इसमें देखो ये साइन स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल माइनस यहां पर इसका डिफरेंशियल करना है तो क्या आएगा टू साइन चेन रूल टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड इंटू दी पावर एक्स का इंटू दी पावर एक्स एंड डी एक्स क्लियर देन
टी टू दी पावर एक्स को पहले लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ क्या हो गया टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स एंड टी टू दी पावर एक्स एंड डी एक्स। यहां पर बेटा देखो साइन और ये जब आता है ना इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लो, पहले इसको लिख लो आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब आप इसको लेट कर लो, लेट आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स एंड ई टू द पावर एक्स एंड डी एक्स। अब वापस इसमें क्या करेंगे यू टू वी लगा लेंगे, ये तो हो जाएगा यू, देख लो आप यू और ये हो जाएगा वी, तो आई वन इक्वल टू यू थ्री पड़ा रहेगा और इसका इंटीग्रल ई एक्स का ई एक्स ही होता है, सीधा लिख लो माइनस इसका डिफरेंशियल यू का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस टू एक्स और ये इंटू टू और इसका इंटीग्रल ई एक्स का ई एक्स। अब देखो वापस मेरे को लग रहा है एक बार और करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई है ना, माइनस टू तो बाहर रख ले, इसको क्या ले लो U और इसको V, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 2x का कुछ नहीं बिगड़ेगा और ex का इंटीग्रल ex माइनस इसका क्या होना है डिफरेंशियल cos का होता है sin 2x इंटू टू और ex का इंटीग्रल कितना होगा ex एंड dx, ठीक है भाई, एंड प्लस c होता ही है। अब आप देखो इसमें I1 इक्वल्स टू ये e टू दी पावर x साइन 2x माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई 2 cos 2x e टू दी पावर x माइनस माइनस प्लस और ये वापस माइनस 2 यहां से और 2 वहां से कितना रहेगा 4 e टू दी पावर x एंड साइन 2x एंड dx। ध्यान से देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट चेक करो तो ये चाहिए था और यहाँ पे इसको हमने क्या लिया हुआ है I1 लिया हुआ है, ये वाला देखो ये वाली वैल्यू, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ I1 बोल सकता हूँ, यानी कि I1 इक्वल्स टू e टू द पावर x साइन 2x माइनस 2 cos 2x e टू द पावर x माइनस 4 I1 एंड प्लस c कनेक्ट कर लो। यहाँ पर इस I1 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो, एक I1 पहले से पड़ा है 4 I1 इस तरफ आ जाएगा, क्या बना बेटा 5 I1 इक्वल्स टू ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ना इसमें कुछ कॉमन बन रहा है क्या, देखो ना e टू द पावर x, चलो बाद में ले लेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे ना उस समय कॉमन ले लेंगे, तो अभी तो ये देख ही लो e टू द पावर x sin 2x माइनस 2 e टू द पावर x एंड cos 2x प्लस c डालो। अब बड़ा ये तो 5 है ना 5 है कौन नीचे जाएगा ये अपॉन में है ना क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन 5 sin 2x माइनस 2 अपॉन 5 e टू द पावर x cos 2x प्लस c अपॉन 5, 5 का डिवाइड सबसे चला गया ये वैल्यू किसकी जनरेट हुई I1 की, क्लियर, पहले कॉपी करो फिर आगे करो। हाँ बेटा इसका आंसर देखो कैसे मैच होगा, वैल्यू रखनी है बस इक्वेशन फर्स्ट में देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल टू टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहां पर देखो बेटा इसको क्या लाइट किया था आई वन, और आई वन की वैल्यू कितनी आ गई ये वाली वो वाली पुट कर दो आप माइनस माइनस का यहाँ ध्यान रखो निशान माइनस का ध्यान रखेंगे आप एक बार गलती नहीं करो ब्रैकेट ही बना दो आप, ठीक है ना e टू द पावर एक्स अपॉन फाइव साइन टू एक्स माइनस टू अपॉन फाइव e टू द पावर एक्स कॉस टू एक्स प्लस सी बाई फाइव है ना, इसको एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट कर दो माइनस हो जाएगा वैसे सी वन कह दो आप इसको माइनस सी अपॉन फाइव भी क्या है कॉन्स्टेंट है। अब आप इसको क्या करो ब्रैकेट ओपन कर दो e टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस e टू द पावर एक्स फाइव साइन टू एक्स प्लस टू बाई फाइव
टी टू द पावर एक्स कॉस टू एक्स प्लस सी वन। अब आप इसमें मैक्सिमम ये कर सकते हो, टी टू द पावर एक्स कॉमन ले लो, बहुत है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू एक्स, फाइव भी लोगे क्या कॉमन? अपॉन फाइव भी ले लो, अपॉन फाइव लोग यहाँ तो है नहीं, तो इंटू करना पड़ेगा आपको। ये आ गया बाहर साइन टू एक्स, ये बाहर आ गया प्लस टू कॉस टू एक्स एंड प्लस सी। यस, एनी डाउट? बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो, ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स एक्स, इसमें हम लेट कर लेते हैं, ए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, ए को मतलब खाली साइन इनवर्स एक्स को ले लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन टी, साइन टी कर लो इसका डिफरेंशियल, वन कॉस टी और डी टी अपॉन डी एस क्वेश्चन, तो नया इंटीग्रल वैल्यू क्या बन गई? ए टू दी पावर ए, ए को मत बोलना, ए टी इंटू कॉस टी इंटू डी, क्लियर? अब बड़े आराम से फिर वो यू एंड थ्री मतलब लंबा क्वेश्चन होगा, तो कॉस्ट कर सकते हैं। अब यू और वी किसको लोगे बताओ? इसको तो क्या लेंगे, वी इसको लेंगे यू। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू ऐसे रहेगा कॉस टी, इसका इंटीग्रल एक बार लिख लेते हैं, ए टी और ये डी टी माइनस, ठीक है ना बेटा, इंटीग्रल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ कॉस माइनस साइन टी एंड इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए टी इंटू डी टी एंड बी, क्लियर? अब इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू बेटा इक्वेशन फर्स्ट को याद रखेंगे आप, क्या बता? कॉस टी ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है, बट अपॉन ए इसके कोएफिशिएंट पर माइनस माइनस प्लस, कौन सा प्लस बेटा? ये दोनों, ये तो डिफरेंस कर ही चुके थे, एटी अपॉन ए, अपॉन ए को बाहर ले दो, वापस यू टू बी यहाँ क्या आ जाएगा? बोलो बोलो यू, और इसको वी कॉस टी इंटू अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए, ब्रैकेट मेंटेन करें, मिस्टेक नहीं होगी आपके, साइन टी यू तो ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख दो अपॉन ए माइनस साइन का डिफरेंशियल कॉस टी और इसका इंटीग्रल ए टी वन अपॉन ए, ठीक है ना? अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू क्या बन गई पूरी, आई तो ये आई इक्वल्स टू वन अपॉन ए कॉस टी प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर साइन टी ए टी माइनस वन अपॉन ए, नहीं होगा यहाँ पर ध्यान रखना, मिस्टेक होती है, तो बार बार एक मत बोलना, ए स्क्वायर ये कितना हो गया? आई अपने पास मेरे को लग रहा है ए स्क्वायर सभी के अंदर अवेलेबल है, अकाउंट में सिर्फ यहाँ पर नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस तो लेफ्ट में लेके करो तो बात एक ही है, आई प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई वन अपॉन ए कॉस टी टू दी पावर एटी प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर साइन टी टू दी पावर एटी और प्लस सी। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे, आई कॉमन ले लो, क्या बनेगा यहाँ पर?
a square plus 1 upon a square is equals to 1 upon a square or a common ले लो 1 upon a square common लेंगे यहाँ तो है नहीं a square तो यहाँ क्या आ जाएगा a cos t वापस सॉल्व करके देखो 1 upon a मिलेगा प्लस ये तो बाहर ले लिया मैंने sin t ये sin t हो जाएगा एंड प्लस बेटा कॉन्सेंट्रेट करो फिर हो गए नहीं ये मजाक में हो गए नहीं मैं कह रहा हूँ इसको ढंग से कॉन्सेंट्रेट करो ये एग्जाम आने वाले क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लाई करो आई इक्वल्स टू ये बेटा को ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू अपॉन आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर एटी ए कॉस टी प्लस साइन टी देखो बेटा ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई थ्रू सी के साथ ही तो होगा सी इंटू दिस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो आप चाहो तो लिख लो एक बार में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल ई टू द पावर एट सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अब टी की वैल्यू रख दो ना आप तो टी की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स एक्स गुड साइन इनवर्स एक्स देखो ये हो गया ये अपॉन में आ गया यहां पर बात करते हैं ए कॉस टी की वैल्यू बताओ आप क्या लिखा था नहीं लिखा देखो हमने क्या लेट किया था बिल्कुल अब लेट क्या क्या था बताओ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी एक्स इक्वल्स क्या बना था कॉस टी हो जाएगा डी एक्स ठीक है एक मिनट अब आप यहाँ ए पे आ गए कॉस टी की जगह क्या लिख सकते हो वहां तो साइन टी है तो इसको आप है ना कॉस टी को लिख सकते हो वन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हो क्या क्यों टेंथ क्लास में पढ़ा था आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस टी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ठीक है प्लस ये साइन टी से क्या आ जाएगा एक्स प्लस इसको क्या बोलेंगे सी वन बोल दो आप सी डैश वगैरह कुछ भी कह सकते हो ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये आपके कंप्लीट आंसर क्लियर एनी डाउट क्वेश्चन नंबर सेवन ये थोड़ा सा देखने से बड़ा अजीब लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है इसके अंदर तो इसमें हम क्या करते हैं लेट लॉग एक्स अपॉन ए टू दी बेस की इक्वल्स टू लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू इंटू दी पावर टी और एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशियल वन ई टू दी पावर टी का ई टू पावर टी डी टी अपॉन डीएक्स अपॉन डीएक्स को लिया होगा तो हमारे पास न्यू इंटीग्रेशन मिला ये तो कॉन्स्टेंट है डी एक्स जगह आ जाएगा ए और यहां पर ई टू दी पावर डी और ए डी टी किसकी जगह आया डी एक्स की जगह इस कॉस को मैंने छटा ही नहीं है कॉस ये बी अपनी जगह बड़ा है इस वैल्यू को मैंने टी कंसिडर किया अब हमारे पास यू इन टू वी एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं आपकी इजी रहेगा यू वी डी एक्स इजिकल्स यू तो बड़ा कुछ नहीं होता इसका वी का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और ठीक है आईलेट के अकॉर्डिंग बेटा टी पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो यू भी किसको लेंगे हम इसको लेंगे यू और इसको लेंगे बी इस ए को मत भूलना आप बोलो
प्लीज यू पढ़ा है cos bt सेम रहेगा इसका इंटीग्रल वही रहेगा माइनस इसका डिफरेंशियल cos का इसका माइनस साइन bt अपॉन bt अपॉन नहीं बेटा डिफरेंशियल इनटू b इनटू b इनटू b ठीक है अब e की पावर t का e की पावर t इंटीग्रेशन और ये थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको a cos bt इसकी क्वेश्चन नंबर 4 था cos bt e की पावर t माइनस माइनस प्लस और b को बाहर ले लो sin bt और e की पावर t dt वापस इसको u इसको ये क्या हो जाएगा u और ये हो जाएगा t तो a हमारे पास कहीं मल्टीप्लाई में था क्या ये पूरे का आगे मल्टीप्लाई में है तो ये एक कहाँ आएगा बेटा यहाँ हाँ होगा कितनी होगा और ये हमारे क्या हो जाएगा कौन सा ये आ रहा है यहाँ से इसके साथ है ना तो यूनिट भी लिखेंगे ना ये पूरा पढ़ा ना और अगर आप पूरा ब्रैकेट लेके चलो तो और ज्यादा सेफ्टी होती है दोनों के साथ ये लिखो ज्यादा बेटर और ए कॉस बी टी ई टू द पावर टी प्लस ए बी ब्रैकेट मेंशन करो यू इनटू बी साइन बी टी माइनस इसका कॉस बी टी इनटू बी क्यों आया पता लगा चेन रूल और एटी का एटी एंड बी ब्रैकेट क्लोज अब देखो बेटा क्या सिचुएशन जनरेट हुई यहां पर I equals to ये A पढ़ा अपने पास में cos bt और ये सेम है A cos bt and e to the power t यहां देखिए प्लस AB sin bt and e to the power t अब देखो बेटा माइनस ये माइनस है ये AB है माइनस AB और एक भी यहाँ पर पड़ा बी स्क्वायर और रिमेनिंग देखो कॉस बी टी और इसी कॉस टी का बीटी को मैं क्या कह सकता हूँ लेकिन साथ में मेरे को इसमें क्या चाहिए ए चाहिए तब कह सकता हूँ ये ध्यान से तो एक बार आप देखो इसको फिर बताता हूँ कॉस बी टी ई की पावर टी जल्दबाजी नहीं करनी बेटा इसमें देखो आई की वैल्यू है ना कॉस बी टी इंटू ई टी और साथ में कितना आया ए तो इस ए को है ना इसको इसको यहां लिख दो अब मैं इसको आई कह सकता हूं हाँ कॉन्स्टेंट चाहिए ना मेरे को यहां पढ़ा ना तो इस अब इस वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूं पूरा आई कह सकता हूं आई इक्वल्स टू ए कॉस बी टी टू द पावर टी प्लस ए बी साइन बी टी हाँ माइनस बी स्क्वायर इंटू इस आई को लेफ्ट साइड ले कितना हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर इंटू आई कॉमन ले लेंगे ए कॉस बी टी ऐसा ले सकते अगले स्टेप में ले लेंगे प्लस ए बी साइन बी टी प्लस अब बेटा वन प्लस बी स्क्वायर कहा जाएगा अपॉन में आ जाएगा या कुछ कॉमन आ रहा है क्या और ये अपॉन में वन प्लस बी स्क्वायर क्या बचा भाई कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी देखो ए कॉस बी टी और ये ए और ये कॉमन लिया था मैंने ये वाला क्या बचा बी साइन बी टी जल्दी क्वेश्चन है सर और ये सी वन क्यों आया अब p की वैल्यू पुट करनी है p की वैल्यू बताओ कितनी है यहां से देखो लॉग ऑफ x अपॉन a और यहाँ बेस कितना है याद रखना इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं अभी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर cos
बी और डी की वैल्यू कितनी है लॉग ये भी लॉग ऑफ एक्स एक्स अपॉन ए टू द बेस ई ये कॉस के साथ में हो गया प्लस बी साइन टी साइन बी टी बी ये बड़ा और टी की जगह क्या आ जाएगा बड़ा लॉग एक्स अपॉन ए टू द बेस ई ठीक है ना ये वैल्यू ये साइन के साथ ब्रैकेट क्लोज प्लस यहां पर देखो एक चीज आ रही है बेटा प्रॉपर्टी होती है ना ए की पावर लॉग फंक्शन बेस ई तो ये पूरा पूरा हटके सिर्फ ये बस ई की पावर है ना यही बचता है खाली कौन सी प्रॉपर्टी है देखो आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी इसको यहां लिखू क्या पूरा क्लियर में ये ए पढ़ा है वन प्लस बी स्क्वायर यहां पर बात कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टी यहां देखो ई टू दी पावर लॉग ऑफ एफ एक्स टू दी बेस ई विल इक्वल टू ओनली एफ एक्स ठीक है ना तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा कि ये दोनों हट जाएंगे सिर्फ ये बचे एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स ए हाँ ठीक है आगे बात करते हैं आगे कुछ फर्क नहीं पड़ना है सेम रहना है कॉस ऑफ बी लॉग एक्स अपॉन ए टू दी बेस बी प्लस बी और क्या आ जाएगा साइन बी लॉग एक्स अपॉन ए टू दी बेस ए एंड प्लस सी यहां से ए और ए कैंसिल कर तो ये आपके पास रिजल्ट है या आंसर हाँ तो एक्स अपॉन ए लिख दो क्या एक्स अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर लिख दो जो रिमेनिंग है वो लिख दो आंसर आ ठीक है ना यानी कि आई को लिख दो वन प्लस बी स्क्वायर कॉस बी लॉग एक्स अपॉन ए टू दी बेस बी प्लस बी साइन बी लॉग एक्स अपॉन ए एन प्लस क्लियर बेटा क्वेश्चन नंबर एट में देखो क्या किया हमने ई टू द पावर फोर एक्स कॉस फोर एक्स एंड कॉस टू एक्स डी एक्स यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं यहां पर टू है ना अपॉन में भेज दो आप तो कॉस ए कॉस बी की जगह हो जाएगा वन बाई टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी दोनों का सम है दोनों का डिफरेंस अब ई टू दी पावर फोर एक्स और कॉस सिक्स एक्स ये इंटीग्रल अलग हो जाएगा ई की पावर फोर एक्स और कॉस टू एक्स इंटीग्रल अलग हो जाएगा इसके बाद ये वाला फॉर्मूला देखो बेटा ई टू दी पावर ए एक्स ए यहां पर कॉन्स्टेंट है कॉस बी एक्स बी यहां कॉन्स्टेंट है तो इसका आंसर होगा ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Then, ये कॉस है ना ये वाला फॉर्मूला डेफिनेट ट्रिक क्या है कॉस है ना यहां पर कॉस और यहां पर साइन आ जाएगा सेम और पहले वाले के मल्टीप्लाई में क्या आएगा ए और दूसरे वाले मल्टीप्लाई में आएगा बी ऐसे याद होता है कैसे ए टू दी पावर एक्स तो सेम रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉस बी एक्स है ना यहां कॉस बी एक्स और यहां साइन बी एक्स इसके मल्टीप्लाई में ए लिखना है इसके मल्टीप्लाई में बी लिखना है ए कौन है ये वाली वैल्यू ई टू दी पावर फोर एक्स में ना फोर बी की वैल्यू कितनी है सिक्स तो ये इसमें ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लो अप्लाई करने का ई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी फोर और बी की वैल्यू कितनी है सिक्स यहाँ पर कॉस और साइन लिखना है दोनों इसके मल्टीप्लाई में ए कितना बड़ा फोर इसके मल्टीप्लाई में बी कितना है सिक्स सिमिलरली यहाँ पर देखिए वन बाई टू कहा से आया स्टार्टिंग चल रहा है ये वन बाई टू आ गया ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें ए की वैल्यू कितनी है बेटा फोर और बी की वैल्यू कितनी है टू फिर हमारे पास कॉस और साइन दोनों लिखने हैं सेम एंगल के साथ में और इसके मल्टीप्लाई में ए और इसके मल्टीप्लाई में बी ये फॉर्मूला है प्लस सी अब आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया ये कितना हुआ 52 और ये कितना हो गया 20 इंटू टू 40 ठीक है ना टू कॉमन ले लो इसमें भी टू कॉमन ले लो तो
टू कॉमन लेंस है, एक टू एक कैंसिल हो जाएगा, ऑनली 52 बचेगा। यहाँ से तो कॉमन लिया ना टू, फोर का टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। यहाँ पर भी टू कॉमन लिया है, ये 20 हो जाएगा, और फोर का टू और ये टू बाहर आ गया, तो सिर्फ साइन टू एस। बस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? एनी डाउट?